मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 300 लोगों से मुलाकात की। जनता दर्शन में गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग करने पहुंचे लोगों को आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा कि वह बिना चिंता किए अच्छे से अच्छे अस्पताल में उपचार कराएं। उपचार में जो भी पैसा खर्च होगा वह सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है और उन्हें इलाज में सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, उनके एस्टिमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पर्याप्त सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि यदि कहीं कोई जमीन कब्जा या दबंगाई कर रहा हो तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। पारिवारिक मामलों के निस्तारण के दोनों पक्ष को एक साथ बिठाकर संवाद करने को प्राथमिकता दी जाए। वहीं इस बीच जनता दर्शन में सीएम एक वृद्ध महिला से मुलाकात कर भावुक हुए। अपने घर वालों के उपेक्षात्मक रवैये से आहत इस वृद्ध महिला ने मुख्यमंत्री को बताया कि उम्र के इस पड़ाव में अपने ही परिवार से मिल रहा दुख वह नहीं सहन कर पा रही है। बुजुर्ग महिला ने कहा कि इसकी इच्छा अब जीवन के बाकी बचे दिन किसी धर्म नगरी में बिताने की है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, माई वृंदावन या काशी या जहां भी रहने की इच्छा हो बता दो, सारी व्यवस्था हम कर देंगे।